उनके साथ जैसे यस मैन रहते हैं, तभी हम इस महिमा को जान पाते हैं और तभी हम अपने जीवन में अभ्यास स्वयं जहां हम होते हैं वहां कर सकते हैं, अन्यथा ये अभ्यास नहीं होता है। क्योंकि बुद्धि हमारे आपके चलती रहती है कि हर बात में भलाई होती है, जैसे भी गुरु जी ने बोला ना, जो अपने कर्म है उसी से दुख आता है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा भगवान दुख दे रहा है, हम तो बहुत भगवान में लगे हैं। लेकिन गुरु जी जो हमसे चाहते हैं कि हम बस यस मैन हो, तभी हमको उनके भला नहीं है, उनकी उसमें महिमा नहीं है कि वो कुछ बहुत बड़े हो गए इसलिए वो ऐसा चाह रहे हैं। वो इसलिए नहीं चाह रहे, वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम दुखी हैं, हमें भगवान दिखता नहीं है सब तरफ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सब भला हो रहा है, चाहे वो उल्टा हुआ चाहे सीधा। इसका गुरु जी के साथ रह के पहले अभ्यास किया यस मैन होने का, तो हम लोग ओली जा रहे थे, ओली से लौट रहे थे, तो बहुत रात हो गई थी, पानी बरस रहा और पहाड़ों में पानी बरसना अपने आप में खतरनाक होता है, और ओली के तो विहंगम पहाड़ थे, विहंगम। तो जब लौट रहे थे तो हम लोगों की जीप का जो टैक्सी थी उसमें क्या हुआ कि उसका पंचर हो गया, अब रात हो रही, पानी बरस रहा, होटल पहुंचने की हम लोगों को वो थी जल्दी, ऊपर से पंचर हो गया। तो बुद्धि तो कह रही थी कि ये कहां जंगल में जो है ना, बिल्कुल हम लोगों को अभी जो है ना, और ये क्या कर दिया, मतलब ऐसा बुद्धि का जो थे उनको तो लगेगा कि ये क्या हो गया, एक तो रात ऊपर से बरसाती रात और ऊपर से पहाड़ों में है, ऊपर से पंचर हो गया, अब रात हो रही है, कैसे कहा पहाड़ में नीचे उतरना, और खतरनाक ही होता है, इतनी लाइट्स वाइट्स भी नहीं होती ज्यादा, बहुत मुश्किल होती है, डर रहे थे हम लोग। लेकिन गुरु जी का ज्ञान जब इस्तेमाल कर रहे थे साथ में कि पता नहीं इसमें क्या भलाई है, भगवान ने यहाँ रोका है पंचर के माध्यम से, उतनी देर में जरा सा आगे बढ़े तो किसी ने बताया कि अरे आप लोग रुक गए, बहुत अच्छा हुआ, अभी एक ऐसा पहाड़ एक बड़ा सा पत्थर गिरा है जिसके कारण जो गाड़ी उस समय उधर से निकल रही थी उस गाड़ी का चकना चूर हो गया, वहां के लोग भी उसमें जो थे फंस गए, बहुत ज्यादा चोटिल भी हुए, मरे क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो लगा कि देखो गुरु जी के ज्ञान का जो इस्तेमाल हम लोगों ने किया था कि भलाई हो रही है, रुक रहे हैं तो भी भगवान जाने, तो ये बात बिल्कुल गुरु जी से ही तो समझ में आई, अन्यथा बुद्धि से कभी समझ सकते थे, बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते थे इस बात को। गुरु जी में सत्संग, गुरु जी के साथ रह के हर हाल में उनके साथ यस मैन बने, जब तब ये बातें समझ में आई अंदर में, तब खुले रहस्य। अब अच्छा जो रहस्य खुले वो किसका फायदा कर रहे, खुद मेरा ही तो सारा फायदे हमारे अपने फायदे के लिए तो गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग उनका क्या फायदा होगा। अब लगेगा ये कि वो अपनी ईगो को ऊपर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं था, वो हमारे दुख को देखकर हमें रोककर क्या हमको दिखाना चाहते थे, ईश्वर हर हाल में हमारा तुम्हारा भला कर रहा है, ये अंदर से हमारे खुल जाए, बुद्धि में खुल जाए, ये बात बुद्धि में धस जाती है, बुद्धि के पट खुल जाते हैं, तब लगता तब अच्छा पट खुल गए फिर क्या, फिर तो मालूम है उल्टा भी हो रहा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो भलाई है। और रात दिन बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, लोग बच्चों के जीवन में माँ बाप में ऐसा क्रैशेस आ गया कि उनके वहां आर्थिक वो हो गई, कमी हो गई, अब आर्थिक कमी के कारण बच्चे जो गलत राह में जा रहे थे वो गलत राह में जाने से बच गए, क्यों, उन्हें पैसे का अभाव में उन्हें जगने लगा कि अब हम पढ़ाई कर ले किसी तरह से पैसा कमा लें कुछ ना कुछ करके। तो ये सब क्या है, ये सब बताओ वो जो अभाव आया पैसे का वो उसमें भलाई क्या थी, बच्चे भटक रहे थे गलत दिशा में जा रहे थे, बच्चों का भटकन भगवान ने खत्म कर दी।
उनको सही दिशा में लगा दिया, कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा करके। तो ये सारा हम लोग सत्संग के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से हर समय हम लोग इसको ही गुनते रहते हैं, एक दूसरे के अनुभव से। जीवन में अपने जब आता है ऐसा स्थितियां, तो हम उसमें उसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं बुद्धि से। बुद्धि भगवान ने दी है खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। क्या इस्तेमाल करने के लिए? कैसा ज्ञान है ये, कैसा गुरु है जो हमको हर दुख से निजात दिला रहा है। दुख नाम की चीज से ही निजात, दुख व्यापे नहीं तो दुख का क्या मजाल जो हमको दुख दे। तो सुख तो, सुख तो अच्छा लगेगा ही, और दुख की मजाल नहीं जो दुख दे। ये गुरु जी ने करामात हम सबके जीवन में करी है। किसके जीवन में दुख नहीं है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर तरह से दुखी है, लेकिन गुरु जी ने किसी दुख को दुख रहने नहीं दिया। ये गुरु जी ने किसके लिए किया? अपने लिए किया, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए किया, सिर्फ हमें तुम्हें शांति देने के लिए, हमें तुम्हें भगवान का आसरा सच्चा देने के लिए। झूठा आसरा तो धन का भी करो, जंगल में फंस जाओ, धन किस काम का है बता दो। भूख लगी है, चाहिए खाना, धन से भूख खरीद भी नहीं सकते, जंगल में पड़े हुए। तो भगवान का नाम तो बोले वो झगुआ भर खाना लेके आ गया, कोई जा रहे यहाँ पे सोचा महात्मा जी आप ही को दे दे खाना, तो दे दिया खाना। तो ये कौन देना वाला है खाना जंगल में? हमारा पैसा तो नहीं, हमारे साथी तो नहीं, वो तो ईश्वर जी ने कहाँ से आ गया, प्रकट हो गया, हमें जंगल में भी खाना पहुंचा रहा है, हमें पानी बीच, पानी बीच धारा में भी हमें जो है ना किनारे पर लगा रहा है। किसका नाम? उसी का नाम। तो वही नाम जी ने हम लोग को जपने को बोला है, हर समय देखने को बोला है। जय सतगुरु।